नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, अभी जो जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश में लॉकडाउन चल रहा है और पूरा देश लॉकडाउन का पालन कर रहा है और हम लोग एक गंभीर महामारी से इस वक्त जूझ रहे हैं। आने वाले समय में लॉकडाउन अभी और भी बढ़ सकता है। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं लॉकडाउन से लड़ने के लिए। देश का हर नागरिक लॉकडाउन से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन कभी कभी देश में इस लॉकडाउन के बीच देश में कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिन पर हंसी आती है। अब समझ में नहीं आता उन पर हंसें कि रोएं, समझ में आता नहीं है मेरे। अभी दिल्ली के, अभी मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, वो ट्वीट किया है दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन ने, उनका नाम डॉक्टर जफरुल इस्लाम है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मतलब देश में, भारत में देश के मुसलमानों को सताया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। हिंदूवादी लोग, हिंदुत्व मतलब हिंदुत्व से जो संबंधित लोग हैं, जो हिंदूवादी लोग हैं, उनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। और मतलब ये तो चलो एक चीज़ हो गई कि दूसरे व्यक्ति पे आरोप लगा दिया। मतलब एक चीज़ इस ट्वीट में धमकी भी दी गई है कि अगर इस देश के मुसलमानों ने अरब देशों से शिकायत कर दी तो इस देश में सैलाब आ जाएगा। अब मुझे, हमारे जैसे नॉर्मल हिंदुस्तानी को खतरा हो गया कि अरब देश कहीं इधर बॉर्डर पे आके मिसाइल विसाइल न लगा दें। हम जैसे को खतरा हो जाता है क्योंकि 57 मुस्लिम कंट्री हैं और इन्होंने, अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन ने बाकायदा उनको चिट्ठी लिखी है, कुवैत को चिट्ठी लिखी है कि मुसलमानों, भारत के मुसलमानों का साथ देने के लिए उनकी तारीफ़ की है। और मैं घबरा गया कि मुझे ऐसा लगा कि कुवैत ने डायरेक्ट मिसाइल, हमारे इधर का मिसाइल का मुंह जो है वो भारत की तरफ को कर दिया है। मुझे इतनी खुद पर्सनली इतनी घबराहट हुई। और हंसी मुझे इस चीज़ पर आ रही है कि मतलब उन अरब देशों से, ये जफरुल इस्लाम साहब से मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप उन अरब देशों से मदद मांग रहे हैं, उन अरब देशों पे इतना भरोसा है आपको जो आपको कन्वर्टेड मुसलमान कहते हैं। आपको मुसलमान समझते ही नहीं है वो। आपको वहाँ पे, उधर अरब के पहले पे भी प्रिंस का वो आया था, बयान आया था उसने, भारत के और पाकिस्तान के मुसलमानों को कन्वर्टेड मुसलमान कहा। अब आपको क्या लगता है वो आपकी क्या मदद कर पाएंगे? अगर कुवैत ने आपकी मदद कर भी दी, और पहली बात तो मुझे आप जफरुल इस्लाम साहब मुझे ये बताइए, भारत में मुसलमानों को क्या, कहाँ सताया जा रहा है, कहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है? और जहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, या जहाँ कहीं मुसलमानों को पुलिस ने उठाया है, या कहीं जहाँ कोरोना वायरस में मुसलमान कहीं साथ नहीं दे रहे हैं, छिप रहे हैं कोरोना वायरस को लेके, या कोरोना वायरस फैला रहे हैं, उनको पुलिस अगर पकड़ कर ले जा रही है, उनका ट्रीटमेंट करा रही है, तो आपकी भाषा में इसको सताना कहते हैं? आपकी भाषा में इसको सताना कहते हैं कि अगर कहीं पुलिस आपको कॉर्पोरेट कर रही है, डॉक्टर आप ऊपर से आप उस पर पत्थर बरसा रहे हैं, थूक रहे हैं, शिकायत आप हिंदुओं की कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टली आप इनडायरेक्टली, क्या डायरेक्टली धमकी आप जो है हिंदुओं को दे रहे हैं कि अगर हमने अरब कंट्री से शिकायत कर दी तो भारत में सैलाब आ जाएगा। क्या सैलाब आ जाएगा भाई साहब? मतलब किस तरह की धमकी है? आप इस पे ट्वीट पे काफ़ी लोगों, इनके ट्वीट पे काफ़ी लोगों ने रीट्वीट भी किया है कि ये आतंकवादी सोच के आदमी है, इनको भगा देना चाहिए। मैं अपनी जो है अपने मुख से ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता। जफरुल इस्लाम साहब, आप डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर की आप मर्यादा समझते हैं, सिपाहियों की मर्यादा समझते हैं, एक शिक्षित आप आदमी हैं और इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं कि अरब से अगर हमने शिकायत कर दी, हमें तो डर लग गया भाई साहब। मतलब मुसलमानों को यहाँ सताया जा रहा है। देश का 35 करोड़ मुसलमान इस देश में है जो कि अल्पसंख्यक है। मतलब एक तो मेरी समझ में नहीं आता कि जिस देश की आबादी 135 करोड़ है, उसमें जो 35 करोड़ की आबादी है वो अल्पसंख्यक कैसे हो गई? अगर यूएनओ के कानून के हिसाब से, उनके रूल रेगुलेशन के हिसाब से भी देखा जाए, या उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से भी देखा जाए, तो जिस कंट्री में 1 से 2% प्रतिशत लोग जिस धर्म संप्रदाय के होते हैं वो जो है माइनॉरिटी में आते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। चलिए फिर भी आप माइनॉरिटी में हैं, आप अल्पसंख्यक बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो आपका उनका पक्ष रखना जायज़ है, लेकिन एक संप्रदाय को टारगेट करके के हिंदूवादी सोच के लोग जो हैं मुसलमानों को सता रहे हैं, ये ठीक नहीं है डॉक्टर साहब। तो जफरुल इस्लाम साहब, अपना जो ये ट्वीट है, इस पे तो पहली बात तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बिल्कुल निहायत और जहालियत वाला ट्वीट है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो है नफ़रत फैलाने वाला ट्वीट है, और आप इस तरह से जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं देश में। देश को शांति से रहने दीजिए, इस देश के नागरिक जो हैं सेक्युलर देश हैं, इस देश को सेक्युलर ही आप रहने दें, आप सेक्युलर की परिभाषा को चेंज ना करें।
हालांकि सेकुलरिज्म किसके लिए है किसके लिए नहीं है देश के नागरिक इस व्यक्ति इस जो इस चीज़ को भी समझते हैं, लेकिन कृपया करके ऐसे ट्वीट ऐसे बयान ना दें। और आपको क्या लगता है कुवैत अगर आप इस तरह की जो चीज़ें करेंगे और वो ग्राउंड रिपोर्ट अगर उनको दी जाएगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो वापस आपको ही सुनने को मिलेगी। और अरब देश की आप धमकी दे रहे हैं, मैं आपको जफरुल इस्लाम साहब एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप अगर चाहते हैं अभी भारत ने अभी 3 देशों के अल्पसंख्यकों के लिए CAA का कानून लाए थे, 3 देशों के अल्पसंख्यक यहाँ पर आएंगे, अगर आप अपने आप को अल्पसंख्यक समझते हैं तो किसी भी इस्लामिक कंट्री में आप नागरिकता के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। या आप जिनके लिए आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों को सताया जा रहा है या जिनको मुसलमानों को ये लगता है कि हम लोग यहाँ सताए जा रहे हैं, तो किसी भी मुस्लिम कंट्री में आप नागरिकता के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि अरब कंट्री के लोग या अरब कंट्री जितनी भी हैं कितनी आपके साथ हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप उनको एक बार मदद तो मांगे, उनसे कहिए ना कि हमें भारत में सताया जा रहा है हमें अपने यहाँ शरण दे दो, मतलब ऐसी प्रैक्टिकली एक चेक करने के लिए आप देख लीजिए ना, ऐसी चेक तो कर ही सकते हैं। क्या हो गया जफरुल इस्लाम साहब, आप एक अल्पसंख्यक आयोग चला रहे हैं उसका चेयरमैन है वो भी देश की राजधानी दिल्ली में, और ऐसे शिक्षित और समझदार व्यक्ति होकर इस तरह का वक्तव्य आप दे रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही बेतुका बयान है। इस चीज़ पर आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है। और आप ये समझने की कोशिश करें देश इस वक्त महामारी से गुजर रहा है, इस चीज़ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ज़्यादा इधर उधर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। देश का मुसलमान सुरक्षित है और पूरे विश्व में अगर मुसलमान कहीं सुरक्षित है तो वो भारत में है, और अगर भारत का मुसलमान इस देश में सुरक्षित नहीं है तो वो जिस देश में सुरक्षित अपने आप को समझता है, जैसे अरब कंट्री की आपने बात की कि वो आपके हितैषी हैं, कुवैत आपका हितैषी है, तो एक बार उनसे ये कहिएगा कि हम कुछ दिन के लिए आपके यहाँ पर रहना चाहते हैं या परमानेंटली आपके यहाँ पर रहना चाहते हैं, बेशक आप भारत में रहिए हमारे यहाँ पर ही, पर एक बार अप्लाई कीजिए कि हमें अपने यहाँ की एक बार नागरिकता दे दीजिए। आपको सच्चाई पता चल जाएगी, जो सत्यता है उसके दर्शन आपको हो जाएंगे। जफरुल इस्लाम साहब थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करें, थोड़ा जो आप गंदे पदार्थों का सेवन कर रहे हैं उनको थोड़ा कम करें, थोड़ा शाकाहार पर आइए। अभी कोरोना में लोग बाग शाकाहार ही कर रहे हैं, उनका आपका दिमाग थोड़ा अच्छे से काम करेगा, उसके बाद फिर आप बात कीजिएगा। तो यही आपसे विनती है, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अगर उनको लगता है कि मेरी बात सही है तो बात को आगे तक पहुंचा दीजिएगा। मुझे जो लगा, मैंने जो अपना व्यूज़ रखा, मुझे जो इस ट्वीट पर बात कहनी थी, उम्मीद करता हूँ ज़्यादातर लोग सहमत होंगे। बाकी मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।